So, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर एफ ई यानी एंटरटेनमेंट किसी ने नाम पहली बार सही बोला है पूरा करेक्ट सो <laughs> so, आज हमने उनको घेर लिया जो सबको घेरते हैं मीन्स आज ये हमारे म्यूजिकलाइज स्टूडियो में आए सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं मैं हूं शिव कुमार शर्मा जिनको आप रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे कई बार देख चुके हैं uh, आर एफ़ ई अनप्लग्ड में भी हमारी ओजस्वी भाई के साथ बातचीत हुई तो आज ओजस्वी भाई आए हमारे स्टूडियो द म्यूजिकल आइज स्टूडियो में जो हमने अभी नया नया बनाया है तो आज ही आए तो हमने कहा कि आए और इनका क्यों ना क्यों क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए ये सबकी इंटरव्यूज़ करते हैं सबसे बातचीत करते हैं तो क्यों ना आज हम इनकी बातचीत करें इनके बारे में जाने इनके व्यूज़ जाने इनके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जाने बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग बातचीत रहने वाली है जसवी भाई के साथ साथवी भाई बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल पे <laughs> आप ही के प्रोग्राम में थैंक यू शिव भाई सब कैसा लग रहा है आपको द आया और इतना बेहतरीन सेटअप यहाँ पे है और हर खास चीज का ख्याल रखा गया है और वो बड़े शौक से दिखा रहे थे मेरे को कि माइक लगे हैं हमारे पास और आई थिंक वी हैव एवरी थिंग हेयर जो हम जिससे हम एक बेहतरीन म्यूज़िक बना सकते हैं सो so, बिल्कुल म्यूज़िक क्योंकि हमारी लाइफ है तो और हमें इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक म्यूज़िक के बारे में तो हम सारी चीज़ें जानती हैं इंटरनल टेक्नोलॉजी को तो जानते हैं लेकिन टेक्निकल टेक्नोलॉजी को नहीं जानते सो so, उनके बारे में हमने जस्वी भाई से आज बहुत सारी राय ली इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया सो so, आज हमने सोचा कि आज इनकी ज़िंदगी की किताब को खोलें इनसे बातचीत करें इनके ज़िंदगी के पन्ने पलटें तो जस्वी भाई शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने फैमिली के बारे में बताइए पेरेंट्स हैं मेरी वाइफ है मेरी डॉटर है मेरी सिस्टर है ब्रदर इन लॉ है बहुत अच्छी फैमिली है मेट्रोपॉलिटन अपब्रिंगिंग ही है मेरी ओके और दिल्ली मेरे पैदाश्री और उसके बाद पेरेंट्स जैसी पंचकूला शिफ्ट हुए तो फिर सारी फिर उसके बाद अपब्रिंगिंग पढ़ाई एजुकेशन हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन उस फर्दर जो भी पढ़ाई की रादर पहला असाइनमेंट भी जो फिल्म से रिलेटेड थी वो सारी मुझे यहीं चंडीगढ़ रीजन से ही मिली है अब बात करते हैं हम आपके बचपन की बचपन कैसा था आपका मतलब कितने शरारती थे कैसे थे आप मतलब शरारती बारे में शरारती बिल्कुल भी नहीं था Uh, बचपन का मेरा मतलब आई थिंक दो ही एम थे एक तो क्लास में टॉप स्कोर करना दूसरा खाना मतलब शायद पता नहीं पहला खाना था या पढ़ाई तो शायद पहली नहीं थी आई <laughs> थिंक uh, मेरी लाइफ वाज मोर अबाउट खाना एंजॉय करना पढ़ना और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कभी पेरेंट्स ने इंश्योर की कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं जिसको लेकर ड्रीम ही करते रहो बैठे ही रहो नहीं फोकस थे पढ़ते थे बहुत खाना खाते थे मतलब हद से ज़्यादा खाना खाते थे तो बस यही लाइफ होती थी और अब आप हम आपसे खाने के लिए पूछते हैं तो आप कहते हो कि मेरे कपड़े टाइट हो रहे हैं मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ नहीं हो <वह> मुझे <laughs> रखना पड़ता है बिकॉज शेड्यूल uh, 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 ऐसा हो गया कि सुबह उठने से काम शुरू हो जाता है रात को सोने तक मतलब मतलब शायद सोना एक ब्रेक ही होती है मतलब स्लीप काइंड ऑफ स्लीप नहीं होती इन दिनों में खासकर जब फेस्टिवल्स हो रहे हो फिल्म आपकी ऑन द फ्लोर जैसा दौर चल रहा होता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो, अच्छा अच्छा वो टाइम टाइम अच्छा था या ये टाइम अच्छा है दोनों मैं प्रेजेंट में ही जीता हूँ अच्छा, तो वो अगर मैं अच्छे से ना जीता तो मैं उसको अच्छा रिकॉल ना कर पाता तो वो टाइम मेरा उस टाइम के लिए बहुत बेस्ट था और आज का टाइम भी मेरे लिए टाचोट Uh, सब सही है यहाँ वुडन फ्लोरिंग है तो टच वुड स्कूल से बंक किया कभी हाँ इलेवेंथ में ट्वेल्थ में पकड़े गए नहीं पकड़े नहीं गए वाह जी वाह नहीं उस स्कूल का जाला होता था डीएवी uh, सेक्टर आठ चंडीगढ़ Oh. तो वो फर्स्ट पीरियड अटेंडेंस लग जाती थी और वो मैं उसके बाद पूरा हमारी बैचमेट्स की टीम निकलती थी ग्यारह बारह लड़के होते थे ओनली बॉयज स्कूल था तब अब कोएड हो गया आ, तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड मौका देख के फिर जाला टाप के एंड मैं अपने बैच का हैवियस्ट था मतलब मैं मतलब एक सौ चालीस किलो का था तो मेरे लिए जाला तो चलने का मतलब ये था कि मुझे था कि जाला ही जाए ना टूट जालाई ना टूट जाए बिल्कुल हाँ तो पर मैं मैनेज कर लेता था एक बार मैंने दीवार से छलांग मार दी थी मेरा घुटना हिल गया था मुझे याद है कि एक हफ्ता मेरा घुटना एकदम सूजा हुआ था मैं इतने वेट के साथ छलांग मार दी थी तो वो मेरी मेमोरी है वो मेमोरी है हाँ तो स्कूल टाइम के कुछ दिल्ली के या चंडीगढ़ के फ्रेंड्स याद हैं हाँ याद हैं सारे या, हैं। जो अभी कांटेक्ट में भी होंगे हाँ, हाँ, कुछ सारे... के नाम लेना चाहोगे जो आपको देख भी रहे होंगे लगभग मेरे यूनिवर्सिटी के ज्यादा हैं मेरे आ, 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 नाम लूंगा तो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं हाँ पर वो आई एम श्योर ये शो देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि सब इन टच है आई थिंक जब सब ने पहली फिल्म देख ली थी या सबको पता लग गया था कि हाँ अभी इसकी फिल्म देख ली है हमने इसका सीरियल देख लिया है और ये चीज़ें देख ली हैं तो उन्होंने नंबर ढूंढ के मेरे को या नंबर पहले तो कम थे पर फिर उन्होंने फेसबुक अकाउंट से ढूंढने शुरू किए आ, तो फेसबुक मैसेज कर करके ना सब ने नंबर फिर कांटेक्ट बिल्कुल, बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो ढूंढना हाँ। और आप जैसी फे, फेमस पर्सनालिटी को ढूंढना तो कोई वैसे भी मुश्किल नहीं है सो so, अब स्कूल से आते हैं हम आपके कॉलेज लाइफ में तो क्या स्ट्रीम रखी है आपने उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज में मेरी ग्रेजुएशन रही है ओके हाँ पहले मैंने मकैनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी सोच के कि ऑटोमोबाइल में कुछ अच्छा एक्सेल करेंगे बट नहीं बना फिर कंप्यूटर साइंसेज में रही और उसके बाद मीडिया में आ गए नहीं उसके बाद मैंने एम बी ए की <laughs> आ, आ, ऐसा था कि फाइनल ईयर में ही आ, मुझे पता लग गया था कि बिकॉज करिकुलर एक्टिविटीज बहुत हाई थी ना हाँ। तो आ, आ, मैं ऑलरेडी उनमें बहुत एक्टिव था और स्टेज के जितने भी हमारे इंटर यूनिवर्सिटी फैशन शोज होते थे वो मैं डायरेक्ट करता था तो यूनिवर्सिटी की टीम को रिप्रेजेंट करना तो जीते मतलब दो कंजटिव ईयर जीते क्योंकि मतलब कॉलेज में जब डिग्री ही चार साल की थी और उसमें आप एनुअल annual, एनुअली दो बार ही पार्टिसिपेट कर सकते हो तो दोनों टाइम आ, हमारी हमारा हमारी यूनिवर्सिटी जीती थी तो बहुत अच्छा लगा था तो एक्चुअली उससे ना टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बहुत चीज़ें आप सीखते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल टेम्परामेंट सीखते हो इतने लोगों को मैनेज करना सीख लेते हो तो फिर बाद में जब फिल्में बनाई मतलब अब भी देखें तो मतलब हर हर आदमी अपना अपना टेम्परमेंट लेके आता है तो उनको कंट्रोल करना आता है वह आपको एक्चुअल ग्रोथ स्कूल से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज उसका रीज़न ये है।, है क्योंकि स्कूल में एक ही एरिया के या एक ही क्लास के लोग पढ़ते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो ना तो कोई मुक्सर साहब से आया हुआ है कोई हिमाचल से आए हुए हैं कोई दिल्ली से आए हुए हैं कोई यूपी से आए हुए हैं मतलब कल्चरल जो होता है ना वो आपको बहुत देखने को मिलता है एक तरफ भांगड़ा की परफॉर्मेंस चल रही है एक तरफ नाटी चल रही है जाट्स का अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा है तो वो आपको देखना और आप आप दिल्ली से चंडीगढ़ में आए हो और आप एक बिल्कुल एक ऐसी फैमिली में हो जहाँ आपने बिल्कुल भी रूरल कल्चर देखा ही नहीं है ही। आपको गांव पता ही नहीं है आपको नहीं पता कि हाँ, आपके लिए भंगड़ा मींस कि या तो वो किसी इवेंट पे होता है या वो किसी फेस्टिवल में होता है उसके अलावा आपको कल्चरली नहीं पता होता कि वो एग्जिस्ट भी करता है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था, था आपका स्कूल में जब आप पढ़ा करते थे ये चेंज होता गया हर साल अच्छा <laughs> आई थिंक मुझे जोग्रफी बहुत पसंद थी फिर मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद आती थी सोशल स्टडीज होती थी वो मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि उसमें कुछ तो स्टोरी थी ना आप फैक्ट्स वगैरह और सबसे सब बोरिंग बोरिंग ए बोरिंग का ना ऑप्शन नहीं था <laughs> कि नंबर तो लानी थे क्योंकि कंपटीशन वो सो स्टफ स्टिफ मतलब जो भी कहे है ना तो नंबर तो लाना ही थे अब इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठो जहाँ जिस साल दस लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं अगर आपके नंबर ना आए तो फिर आप तो गए ना तो ऑप्शन ही नहीं थी यार मतलब वो स्टार्टिंग से ही पता था कि अगर कुछ करना है तो जाना ही पड़ेगा और शुक्र है फिल्म इंस्टीट्यूट में जा रहे होते तो सीटें नहीं थी बिल्कुल नहीं थी इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है फिल्म फिल्म स्टडीज में तो अहम नहीं है और ये भी है कि इस लाइन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं भी बहुत कम है, है ही नहीं मतलब आ, मास कम्युनिकेशन बोल देते हैं वो भिल्कुल, कि भिल्कुल। मास कम्युनिकेशन है पर शिबाई फिल्म स्टडीज नहीं है वो नहीं है क्योंकि दो ही अगर आप थिएटर की साइड में जाना चाहते हो तो एनएसडी एस डी मतलब तो अच्छे लेवल पे दूसरा जाके देख लो कितनी दूसरे दूसरी साइड बड़ी कंट्री जहाँ फिल्में बना रही है आप अगर कि, अगर फिल्म लाइन में जाना चाहते हो तो फिर एफ टी आई उसके अलावा तो कोई टी आई की आपको डायरेक्शन की और सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग साउंड डिजाइन की सीट काउंट कर लो प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे दिए में जाके देख बिल्कुल ये चीजें चाहिए Uh, या फिल्म इंस्टीट्यूट जब बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो कितनी सीटें रखते हैं आप देखो ना फार्मेसी और इंजीनियरिंग की uh, मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गिना सकता हूँ दस हज़ार सीटें हैं uh, फिल्म की देख लो और फिल्म देखो तो सी लोग देखते कितने बना आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो इंडिया ग्रो उस लेवल पर कर जाएगा जो आपका कंपेरिटिव वर्ल्ड है अगर आप उस लेवल के आप टेक्नीशियंस ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे बिल्कुल आपने एम किया फिर फिल्म लाइन में आने का कैसे चांसेस मिला मतलब कैसे मौका मिला चांस या बाय चांस आए नहीं नहीं बाई चांस नहीं देखो वो अलग गया था पता पर ये था कि एजुकेशन पूरी करनी है आ, वो जो आपने कोर्सेज इन हैंड लिए हैं उन्हें छोड़ के तो नहीं मैं कर सकता था बिकॉज़ हाँ। पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन भी लिया था बिल्कुल है ना और आ, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि यार एक बार एजुकेशन पूरी ले अगर फिल्म्स ना चलती तो कुछ तो था करने को वो उस वक्त माइंड में जो एक मिडिल क्लास थॉट रहता है वो था शुरू से ही तो पढ़ाई में आधे छोड़ देते आधे डिग्री छोड़ के निकल जाते ना उधर बनता तो उधर से भी पिटता उधर से भी पिटता और हर जगह से पिटता एटलीस्ट मैंने अपना पढ़ाई पूरी की एंड बिलीव मी मैं हर बार कहता हूँ आप किसी भी डिसिप्लिन से हो आप फिल्म मेकिंग में आ सकते हो आप फिल्म मेकिंग का किसी भी एक वर्टिकल में आप एंटर कर सकते हो अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपके लिए फ़िल्म बहुत बड़ी एक मार्केट है आप कैमरा एंड ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप फिज़िक्स में ग्रो कर जाते हो आपके लिए कैमरा एक मार्केट है फिल्म इंडस्ट्री एक मार्केट है बहुत वे में आप आप देखो ना ये स्टूडियोज़ हैं ये साउंड डिज़ाइन है ये लैपटॉप है, है ये इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जो यूज़ होते हैं तो आप चाहे इंजीनियर हो चाहे आप कुछ भी हो आपको या तो आप बना लोगे वो प्रोडक्ट को या आप उसको यूज करके फिल्म बना लोगे और सबसे बड़ा नेक फिल्म के लिए ज़रूरी होते है, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग जो थी वो जब मैं एमबीए कर रहा था ना शिव भाई तो एम में क्या था उस वक़्त सेल्स पिच होती थी आप कैसी कहानी सुनाओ अपने क्लाइंट को अपने बॉस को <laughs> कि आपका काम चल जाए बिल्कुल अगर आपकी कहानी में दम है कि आप दस हजार लोग घेर सकते हो पचास हजार लोग घेर सकते हो एक लाख आदमी तो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो बेस तो स्टोरी है बिल्कुल मैं यही जानना चाह रहा था कि पहली जो आपने आ, आपने उसके बाद एम के बाद फिर फिल्म लाइन में कुछ डिग्री की या फिर सीधा काम सीखा नहीं मैं अप्रेंटिस मैंने ज्वाइन किया था ओके okay. हाँ मैंने फाइनल ईयर में खुद ही हाथ पैर मार के जैसे बहुत न्यू कॉमर्स जो अब हाँ। ट्राई करते हैं कि कैमरा ले लिया तब यूट्यूब भी जस्ट आई थिंक इंडिया में जस्ट शुरू हुआ था हाई और औरड के ज़माने होते थे वो और uh, फेसबुक uh, बिल्कुल आई थिंक पता नहीं था कि नहीं I, I, मेरे को अब तो हिस्ट्री भूल गई इस चीज़ की तो मैंने अपनी पहली शॉर्ट दो uh, में बना दी थी हाँ

कहते थे तब कि रिस्क लिए आपने पर मैंने रिस्क नहीं लिया था मतलब शायद मेरे को पता था कि मेरे को क्या मिलने वाला है और मैं कहाँ चल रहा हूँ उनको पता नहीं था क्योंकि उन्होंने वो पाथ कभी चला नहीं था अब जिस घर में आर्टिस्ट का भी कोई ना रहा हो म्यूजिशन रहा हो या आ, आ, फैमिली ही सर्विस की रही हो टीचर्स की रहा हो, रही हो एजुकेशनिस्ट की रही हो तो फिर शिव भाई वो कैसे

बिल्कुल बिल्कुल पहला आइडिया जो आपने पहला शॉर्ट फिल्म बनाया तो पहला आइडिया क्या था आपका वो नो स्मोकिंग पे था ओके okay. नो स्मोकिंग नो स्मोकिंग आई क्विट थी मेरी पहली फिल्म ओके okay. हाँ आज के टाइम में तो वो बहुत एमएच्योर अटेम्प्ट लगती है ऑफ कोर्स क्योंकि अब मतलब तब में और अब में बहुत फासला है बिल्कुल। काम का स्केल का लोगों का टेक्नीशियंस का तब सब कुछ आप ही कर रहे थे

के जो आपको लेके एस्पिरेशन है कुछ तो लूज करते हैं वो पर दोस्त कुछ लूज नहीं करते दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तू कर यार हम तेरे साथ खड़े हैं Because, आ, एक फैमिली के पॉइंट सोचो ना आपकी उन्होंने पढ़ाई के लिए लोन लिया है आपकी और आप वो परस्यू ही नहीं कर रहे देखो मिडिल क्लास फैमिली आरओआई पे चलती है अगर पढ़ाई <laughs> पे पांच लाख या दो या चार लाख या चार पांच साल लग गए हैं के और उसके बाद आप एक ऐसी ट्रेड में जा रहे हो जहा पे आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना है राइट तो आपके तो उतने साल निकल जाते हैं देखो पैसे तो वापस आ देंगे पर टाइम वापस नहीं आएगा बिल्कुल सही बोला तो वो शुरू में थोड़ा सा वो उनके थी मतलब आपकी बातों से अभी तक ये पता लग रहा है कि आप शुरू से ही पॉजिटिव रहे हैं और आपको ऐसा ही माहौल मिला जिससे मेरे को सारे लोग ये कहते हैं कि <laughs> कि हाँ. बहुत पॉजिटिव वो नहीं इन्वायरमेंट uh, बहुत मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स का बॉस बहुत सपोर्ट रहा है मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है अब वो अंदर ही अंदर डरे भी हैं बट अंदर ही अंदर उन्होंने सपोर्ट भी दिया मतलब वो ना वो ट्रांजिशन फेज में चले गए थे एक तरीके से अगर आप ओजस्वी भाई को जानते हैं तो वो इतने पॉजिटिव हैं इतने uh, मतलब क्लियर बोलने वाले हैं यस तो यस नो तो नो और वो यस हो गया तो वो चाहे काम कितना मर्जी टफ है वो होकर रहेगा और नो बोल दिया तो आप उनसे यस करवा नहीं सकते क्यों भाई सही <laughs> बोला ना तो अब हम आते हैं आपकी मेजर प्रोजेक्ट जो एडमिटेड पे इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा और बहुत ही आपने इसमें मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपना हंड्रेड टेन परसेंट देने की कोशिश की तो एडमिटेड का आइडिया आपको कैसे आया एडमिटेड पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट बनने की कहानी है इट्स डॉक्यू ड्रामा डॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं बट इट हैज़ ड्रामा एंड वो फिल्म आप ज़रूर देखें और बस ये है कि इट्स अ फीचर लेंथ फिल्म और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज़ की है फिल्म पब्लिक uh, के लिए कि आप जाएँ आप देखें सिनेमाघर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी को फिल्म एज अ टैबू सब्जेक्ट फील होता है और लगता है कि अलग बैठ के देखना है तो भी आप उसे अकेले भी देख सकते हैं फैमिली के साथ भी देख सकते हैं फिल्म इज़ टोटली क्लीन फिल्म है वही सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को बिल्कुल ठीक है और बस ये है कि हिचक थी लोगों में और मेरी कन्विक्शन थी मैं को फिल्म बनाता हूँ तो वो कन्विक्शन से बनाता हूँ तो एडमिटेड आप ज़रूर देखो एक बार ज़रूर देखो एज अ स्टोरी टेलर एज अ मेकर ऑफ़ द फिल्म एज अ प्रोड्यूसर ऑफ़ द फिल्म मेरी आ, दर्शकों से दरखास्त है शिव भाई ने कहा है फिल्म के बारे में बताने को तो मैंने अपना काम फ़र्ज पूरा किया अब हम आते हैं इसके बेस पे आइडिया कहाँ से आया आइडिया आइडिया ऐसे आया कि मेरी फ़िल्म जुबान आ, हरियाणा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में आ, मतलब बेस्ट एक्टर आ, का अवार्ड नवाज़ा गया था कमलप्रीत सिंह को तो हम वापस आए और जिस दिन मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था तो सेम डे मतलब मतलब एक पेज पे फिल्म की अवार्ड की न्यूज़ थी और उसमें फ़ोटो आर्टिकल पढ़ा और हैबिट थी ना कि न्यूज़पेपर में देखो और क्या चल रहा है और क्या चल रहा है तो आ, दूसरे सेक्शन में मतलब व्हेन आई रेड द न्यूज तो उसमें धनंजय दीदी की प्ली थी मतलब जो भी उस वक्त की कुछ नहीं मिल रहा या कुछ वो नहीं मिल रहा ये नहीं मिल रहा तो मैंने वो पूरी स्टोरी बड़े ध्यान से पढ़ी और मेरे को पता लग गया था कि एक ना आप अगली कहानी तराश रहे होते हो वो कॉन्स्टेंट एक काम चल रहा होता है अगर आज भी दो फिल्में बन रही हैं तो तीसरी की कहानी वर्क चल रहा है बिल्कुल क्योंकि टाइम देते नहीं है कि कहानी ख़त्म होगी उस फिल्म बनेगी रिलीज़ होगी उसके बाद अगले लिखनी शुरू करेंगे नहीं नहीं वो साथ साथ ही पैरल ही चल रहा होता काम बिल्कुल तो अभी ज़ुबान और द लास्ट डेट जनवरी के मंथ में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जानी थी ऑफिशियल सिलेक्शन आ चुकी हुई थी उसकी भी पर स्क्रीन नहीं हुई थी पर बीच में टाइम था मैं फटाफट -फड़ धनंजय दीदी से मिलने चला गया मैंने ढूंढे अपने कॉमन फ्रेंड्स को जर्नलिस्ट मिलके मैं चला गया मिलने उनको कन्विंस करना अलग स्टोरी थी अच्छा हाँ, <laughs> हाँ कुछ बताना चाहोगे वही मैंने उनको कहा मैंने आप पे फिल्म पर आनी है तो कहती मेरे पे क्यों बनानी आनी है बताओ इस बात का जवाब <laughs> <laughs> फिर कन्विंस किया आपके क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय को साथ लेके चल रहे थे ना जिसमें मतलब शायद वो न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते ही नहीं थे बिल्कुल वो पॉलिसी लेवल पे पढ़ रहे हैं वो खुद उस वक़्त एम ह्यूमन राइट्स में थे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम कर रहे थे hmm. बहुत लेवल पे शी वॉज वर्किंग विद सो मैनी पीपल एंड शी वॉज आई थिंक फोर्टी एट और फोर्टी नाइन ऐट देट टाइम है न yes. तो इतना उम्र इतना तजुर्बा और जो मोमेंटम उन्होंने वहाँ क्रिएट किया हुआ फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट का मतलब इतने मैटर्स हैं फिल्म में आ, आप फिल्म देखना ज़रूर तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चीज़ की वो रखी कि आप मेरे पे जब फिल्म बनाओगे ना तो अब आप मेरा रोल एक ट्रांसजेंडर से कराना मतलब किसी मेल या फीमेल को मत ट्रांसजेंडर बना के बहुत बड़ी बात है। एक्ट कराना क्योंकि आई एम अ जेंडर आई एम इन अ जेंडर एंड आई है फॉर अ जेंडर दैट एग्जिस्ट अब भाई साहब मैं जब घर आया तो स्टोरी मैंने कहाँ लिखनी थी फिर फिर मैंने दीदी को ही नेक्स्ट डे फोन किया मैंने कहा दीदी आई विल नॉट मेक दिस एज अ नेरेटिव बट मैं इसको डॉक्यू ड्रामा बनाऊंगा एंड यू विल बी योर सेल्फ इन द फिल्म तो वो मेरा एक बड़ा चेंज था कि स्टोरी लेवल उठ के इसको डॉक्यूमेंट्री लेवल पे लेके आना और जिस भी, भी मैं इस चीज़ को अपने साथ रिलेट करके देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक विजली चैलेंज हूँ जी अब मैं ही सोच रहा हूँ कि इतनी मूवीज मेरे ध्यान में क्लिक कर गई कि जितने जिसमें ब्लाइंड का लोग एक जो रोल है, है वो ऐसे बंदे ने किया है जो मतलब जो देख सकते हैं या जिन्होंने या तो ब्लाइंड के रोल को एक ड्रामा बनाया या इतना ज़्यादा मतलब दयनीय बना दिया इतना ज़्यादा वो सिंपथेटिक बना दिया कि आपको लगता है कि यह बेचारे हैं या, है या ड्रामेटिक है।, है सो वही मेरे माइंड में बात आई कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक जो जिस चीज को डील कर कर रहा है अगर वो उसी अगर रोल करे बेशक वो एक्टर नहीं है लेकिन एक्टिंग नहीं वो उसकी जो एक्चुअल फीलिंग निकलेंगी ना वो बहुत बड़ी बात है ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी नहीं मैं दीदी की और ये एक दाने मैसेज दाने भी, भी की है की बहुत रिस्पेक्ट करता करता हूं course, आ, करता तो भी मैंने वो बना दी है फिल्म उसी नेचुरल स्टेट में पर जो वो फर्स्ट मोमेंट था ना कि उनका लीप ऑफ फेथ कैसे आएगा मतलब यू नो देखो अगर मैं उनकी लाइफ पे फिल्म बना रहा हूँ वो अपना सारा कुछ मुझे सौंप रही हैं मतलब अपनी इज्जत अपनी मर्यादा अपना सब कुछ उन्होंने मेरे को सौंप दिया जो उनके साथ अच्छा हुआ लाइफ में जो उनके साथ बहुत बुरा हुआ इट्स लाइक like एक बायोग्राफी बनाना यार एवरी है उसके अंदर तो सब कुछ आता है ऑलमोस्ट तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि प्रेजेंट में आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रेजेंट में अभी हाल ही में कुछ आपका नया लॉन्च हुआ है नहीं लॉन्च होंगे अभी नई फिल्म्स बन रही हैं अंडर प्रोडक्शन है और मार्च ऑनवर्ड्स आपको काफ़ी फिल्में मंथ दर मंथ एवरी टू मंथ एवरी थ्री मंथ कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा शोज़ भी आ रहे हैं और फिल्में भी आ रही हैं तो शोज़ के टाइम पे शोज़ की प्रोडक्शन होती है फ़िल्मों के टाइम पे फिल्मों की प्रोडक्शन होती है फ़िल्मों की प्रोडक्शन करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है फिल्में बनते बनते चार महीने छः महीने लग जाते हैं शोज़ जनरली अब टीम बहुत बड़ी है तो थोड़ा कम टाइम में जल्दी एपिसोड्स आ जाते हैं तो चलो मैं ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हाँ। अब आज को जस्वी कब ला रहे हो <laughs> आज को जस्वी <laughs> मुझे लोगों के सवाल थक गए मुझे लग रहा है वो मैं सच्ची में आज को जस्वी तब लाऊंगा जब थोड़ा सवाल नहीं आएंगे कि मतलब सौ सवाल यही आते थे कि अगला प्रोजेक्ट क्या है <laughs> उसका एक सौ क्वेश्चन एक ही होते थे तो फिर वो एक का जवाब मैं ट्वीट करके भी दे सकता था कि अगली फिल्म ये है जी तो आंसर उसके लिए एपिसोड बनने का मतलब कि कुछ सवाल अच्छे आए और अब तो आर यू मैरिट का सवाल ख़त्म हो गया <laughs> बिल्कुल बिल्कुल <laughs> आर यू मैरिड का सवाल भी खत्म हो गया और कई लड़कियों का स्कोप भी खत्म हो गया कुरेदिए इस इंटरव्यू को और नए ऐसे ही कुछ होंगे कि जो हम में नहीं नहीं तो अभी मेरे बहुत सवाल है मेरे भी बहुत सवाल है अभी तो हमने रेपिड फायर करना है आपके साथ बहुत प्रोफेशन से रिलेटेड बातें होगी आज मकसद हमको आपको अंदर से जानना है तो खाना क्या पसंद है आपको खाने में मैं लिटरली कुछ भी खा सकता एज एज लॉन्ग बहुत ज्यादा तेल में डूबा हुआ खाना ना हो और बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो मैं शिव भाई ज्यादा तीखा नहीं खा सकता और ज्यादा ऑयली या तला हुआ नहीं खा सकता बस इसके अलावा मैं सब खा सकता काश छह सवाल मैंने पहले पूछ लिया होता फ्रेंड्स इंटरव्यू से पहले हम इनसे पूछ रहे थे कि आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे मुझे नहीं पता था कि खाने के इतने शिकेना नहीं तो हमने बिना पीछे कुछ ऑर्डर कर देना था हाँ, so, नहीं बट मैं अपना हेल्थ चेक रखता हूँ नहीं बहुत अच्छी चीज है आपके मन में कुछ और होता है आप दिखाना चाहते हैं पर वो नहीं दिखा पाते जो मुझे किस दिख रहा है आपको दिख नहीं रहा मुझे दिख रही कोका कोला और पिज़्ज़ा वाह क्या <laughs> बात है चलो हो गया जाओ हां देखो सो so, थैंक यू गाइस ये दे दो अह भाई कैसे हो जयदीप भाई कैसे ये, भाई कैसे ये हमारे तो ये हमारे जो म्यूजिकलाइज के एक्चुअल फाउंडर्स हैं वो न, आ चुके हैं अमरिंदर और नवजोत हमारे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर सो so, अब हमें लगता है कि हमारी पिज्जा पर चर्चा भी साथ के साथ चलेगी लोगों को दिखना चाहिए कि ये पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक आई हैं। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है मैंने ले लिया है क्लिप <laughs> <laughs> यहाँ से ताकि कैमरे में चाहे पूरे ना बट इसमें आ जाए ठीक तो हाँ, है ना भाई बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये <laughs> हाँ ठीक है कुछ पहली मूवी याद कोई थिएटर में देखी हो जो आपने पहला अच्छा एक्सपीरियंस जो आपका मूवीज के साथ हाँ हमसे मुकाबला देखी थी मैंने मूवी प्रभु देव साहब की फिल्म थी और उस टाइम क्या डांस था क्या थ्रिलर था उसमें फिर सुनील शेट्टी की फिल्में अक्षय कुमार की फिल्में और अजय देवगन की फिल्में फिर कहो ना प्यारा देखी मतलब फिर डी देखी मतलब उससे पहले फिर मोहब्बतें मिशन कश्मीर वो एक्चुअली जो सिंगल स्क्रीन में देखी हुई फिल्में हैं मतलब हाँ। यादें ना बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं मल्टीप्लेक्स की यादें बहुत कम हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्स में ना आप बड़ा प्लास्टिक का बंदा खोद ही जाता है हाँ। और सिंगल स्क्रीन में ना आपको रिएक्शंस मिलते थे सीटियाँ हाँ। से फिर मैं बैंगलोर रेक्स थिएटर में मैंने बहुत फिल्में देखी एवरी फ्राइडे मैं टिकट लेता था और जाता था देखने क्योंकि अकेला रहता था कुछ था नहीं ऑफिस ख़त्म की फ्राइडे नहीं तो सैटरडे पिक्चर देखनी देखनी है तो साहब मैंने वो पिक्चर देखी मतलब बॉडी फिल्म देखी सलमान खान की एंट्री हुई और यहाँ बालकनी आप नीचे मैंने टिकट ली क्योंकि पैसे थे नहीं तो नीचे की सत्तर की टिकट थी ऊपर की एक की थी शिव भाई बिलीव नहीं करोगे ओपनिंग सीन था और शरद जी अपना बोलते हैं कि एंट्री सलमान खान की एंट्री होने वाली थी और वो इतनी भीड़ के बीच में से ना एंट्री करके आए और शिव भाई इतनी सीटियां मतलब शायद सलमान सर के इतने फैंस थे ना मतलब आप वहाँ बैठे देख रहे हो आ, फिल्म को देख रहे हो कि हाँ यार अ गुड फिल्म है ना और भाई साहब शर्टें गिर रही हैं ऊपर से वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया है वो मल्टीप्लेक्स में अब तो रादर लोग बस नेटफ्लिक्स और ये ऑनलाइन वाले हो गए हैं कि बस ये 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 रह गई है मतलब वहाँ से यहाँ पे आ गए तो जो एक एक्सपीरियंस था ना वो खत्म हो गया अच्छा कभी आपने के आपको बारह साल से ज्यादा इस लाइन में हो गए कभी कोई ऐसा पल आया किसी ने कोई ऐसी बात बोली हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने बोला छोड़ो यार मारो गोली ये फील्ड ही नहीं करनी अब मतलब बड़ा नेगेटिव हो जाता है जिसमें बंदा कि यार नहीं, मैं टूट जाता है जिसमें जैसे है और हाँ हिम्मत टूटी है शायद मैं डिनाई नहीं करूँगा सौ से ज्यादा बार हुआ होगा और Uh, जब भी टूटता था तो अपने लाइफ में तब ओनली पर्सन जो आपको सुन सकते थे आपको समझ सकते आपके मदर ही थे uh, मतलब है मेरे तो वो उन्होंने कहा कि uh, कुछ लोगों जो ऐसे होते हैं ना यही कारण बनते हैं आपका आगे बढ़ने के क्योंकि आपको चॉइसेस रिजेक्ट भी करते हो ताकि आप सही ट्रैक पे रहो तो बहुत लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं आपको सेशंस लेते रहते हैं रीडिंग्स लेते रहते हैं आपकी स्क्रिप्टे सुनते रहते हैं आप कि फिल्म बनानी है जैसे आप डिस्कस नहीं कर रहे थे कि गाने सुनते रहते हैं और फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हाँ। तो छः छः महीने आठ आठ महीने वेस्ट हुए हैं मतलब और जब जब काम की बारी आई तब आपको आपका ड्यू ही नहीं मिला नहीं। तो वो भी हुआ बड़ी बार तो उसको लर्निंग ली आगे बढ़ गए और क्या कर सकते हैं पीछे जा नहीं सकते वही कि हम रोज कुछ नया सीखते हैं जिंदगी से बिल्कुल तो ये जिंदगी के पार्ट साइंस में यही है कि यही है कि पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाओ आपको आपकी मंजिल यही रीत है हार के बाद ही जीत है बिल्कुल बिल्कुल तो गाने सुनते हो आपको कौन से गाने बहुत। पसंद बहुत और मैं एक्चुअली कौन फेवरेट सिंगर कौन है आपके बहुत हैं नहीं अब कोई फैन बॉय मोमेंट तो है नहीं आधे लोगों के साथ काम करते हैं आधे लोगों को एडमायर करते हैं आधे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं आधे लोगों आधे लोग हमारे साथ नहीं काम करना चाहते तो चलता रहता है बहुत सिंगर्स पसंद है आई थिंक ब्यूटिफुल इंडिया में विस्ट लाइक like, मज़ेदार लोग हैं यार बहुत लोग गए आप गाने तो सुनो ना अगर मैं अपनी प्ले लिस्ट ही बनाऊँ तो शायद पाँच हज़ार गानों की बन जाए कैसे मैं उनको रिजेक्ट करूँ और क्या करूँ हर ट हर सदी के एक सिंगर थे उदित नारायण जी के गाने पसंद सोनू mm -hmm. निगम मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर शान mm -hmm. है आतिफ असलम है रात फतेह अली खान है अब जोबिन आ गए हैं अरिजीत सिंह है पंजाब में इतने सिंगर्स हैं मेरे दो सिंगर हैं तो का, गलती से एक दो तो अच्छे गाने वो भी बनाई देते हैं <laughs> गलती से हाँ बिल्कुल हा, गलती से का मतलब हाँ। ये होता है कि देखो कभी तालमेल नहीं ठीक बैठता कभी कभी आपके लिरिक्स नहीं वर्क करते कभी कर कुछ नहीं होता और हर चीज़ आपका टेस्ट नहीं होता बिल्कुल हाँ ऐसा नहीं है मैं फ़ैन हूँ इंस्ट्रूमेंटल्स का मैं फैन हूँ एपिक म्यूजिक का मैं फैन हूँ एनिग्मा हो गया मतलब मतलब इंटरनेशनल ट्रांस म्यूजिक हो गया मैं हर टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ कार में जितनी देर भी कार चलती है तो हम समझ लो कि वो मेरा मेडिटेशन चल रही है चालीस मिनट पचास मिनट गाने चल ही रहे हैं और रिपीट नहीं मैं करता अगर ये गाना मेरे को लूप स्टक कर गया तो शायद दो साल में उसी को पेलता रहूंगा वाह एक ना मीडिया लाइन में बड़ी बात चलती है कि इस पर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं और एक बात है कि जो अगर आप अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करें या देखें हुँ। तो वो कहते हैं कि जो हम फील करते हैं वो हम दुनिया को दिखाएं तो आपके हिसाब से आप जो दिखाना चाहते हो वो होना चाहिए या जो लोग देखना चाहते हैं वो होना चाहिए जिस चीज से निर्देशक है, है जिस चीज में वो जरूरी नहीं कि जो लोग देखना चाहते हैं मैं उस चीज से कन्विंस्ड हूँ मैं तभी तो अनकंफर्टेबल फील करूंगा और लिखूंगा अगर मैं उसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ तो मैं वही कहानी बार बार बनाता रहूंगा और वो वैसे भी डेवोस्टेटिंग हो जाएगा मतलब मिक्स चलना चाहिए आपके हिसाब से क्यों लोगों ने थोड़ी कहा था थ्री इडियट्स बनाओ हाँ थ्री इडियट्स बनी तो लोगों ने कहा वाह देखो करियर चॉइसेस और भी एक्सप्लोर करो दिल की सुनो उससे पहले तो क्या इंजीनियर डॉक्टर बन ही रहे थे सारे और आज भी बन रहे हैं उस पिक्चर ने क्या कर लिया है पिक्चर में अगर ये दिखाते हैं कि एक रॉक बैंड बहुत पॉपुलर हो गया है बहुत रिच हो गया है उसने भाई मज़ा कर दिया है तो क्या आप इस सारे घर वाले अभी भी इंकरेज करते हैं रॉक बैंड आप इतने शहरों में घूमे हो बहुत मतलब मूवीज बनाने के लिए आपको शहर शहर जाना पड़ता है शूट करना पड़ता है सबसे अच्छा शहर आपको कौन सा चंडीगढ़ ये पूरा ट्राई सिटी एरिया बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी सुविधाएं खुलापन अपनापन दिलेरी सारी यहीं है बाकी जगह डिफरेंट है अपने अपने हिसाब से इसलिए कुछ देर के लिए जाओ तो जाके बहुत मजा आता है लेकिन घर घर होता है घर घर होता है बिल्कुल और ये कोई डिनाई नहीं करेगा ये मेरा अपना पर्सनल है और ये आप हर एक से पूछो उन्हें उनका घर पसंद आएगा उसके अलावा दुनिया में कोई जगह पसंद नहीं आएगी बाकी जगह घूमने के लिए या एस्पायर करने के लिए आएगी कि अगली छुट्टी वहाँ बनाएंगे लेकिन वहां जाके बस जाओ वो अब आपका वाला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कल दुनिया खत्म होने वाली है आपके पास बारह घंटे है क्या करना चाहोगे मैं एक पार्टी थ्रो करूँगा और अपने सारे दोस्त बुला लूंगा अपनी सारी फैमिली इकट्ठी कर लूंगा उनके साथ तंबोला खेलूंगा पत्ते खेलूंगा पार्टी करूंगा खाना खाऊंगा ताकि कल दुनिया खत्म हो तो एक दूसरे को देख के जाए वाह क्या बात है फोन नहीं करूँगा चैट नहीं करूँगा इंटरनेट पर नहीं कहीं डालूंगा वो पल जी के जाऊंगा तो जब डी आर्ट से बंक करते थे कहा जाते थे फिर मूवीज देख नहीं करता था तो हॉट डॉग खाता था कैंटीन में वो उनके हॉट डॉग बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छा और बनाना शेक वो डीएवी कैंटीन का वो था कि तब आठ आ, आठ या दस रुपए ही होते थे मतलब तो धीरे धीरे जब स्कूल में थे तो दो रुपए में गुजारा होता था जब यूनिवर्सिटी कॉलेज हाई स्कूल तक पहुंचे तो दस रुपए हो गए तो पाँच रुपए का बनाना शेक का ग्लास आता था और पाँच रुपए का हॉट डॉग आता था तीन रुपए का समोसा होता था तो वही यादें हैं अब तो समोसे ख़रीदते टाइम सोचते नहीं आई थिंक बारह रुपए का तो हो ही गया है एक हाँ बिल्कुल अब थोड़ी सी बात हम करेंगे सिकलेंस के बारे में जी सिक्लेंस इडिया के आप हेड हो। जी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सिक्लेंस एक बहुत अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है कैलिफोर्निया uh, में इसकी uh, शुरुआत हुई थी 2001 में जो uh, सिखों पर अत्याचार हुए थे अमेरिका में आफ्टर द नाइन इलेवन अटैक्स तो उसके बाद सिक्लेंस uh, की स्थापना की गई और uh, सिक्स की रिप्रेजेंटेशन इन फिल्म्स इन मीडिया इन आर्ट इन कल्चर उसको इन्हेंस करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए ये इस्टेबलिश किया था तो दो हज़ार उन्नीस के एंड में मतलब मुझे वो मौका मिला कि मैं लेंस को इंडिया लेके आ सकूं और चंडीगढ़ हमने इसका हेडकोार्टर चुना और तब से 2020 में 2021 में दो साल बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल हुआ 21 फरवरी दोनों पिछली डेटों में और इस इस वर्ष 2022 में आप मीडिया लाइन में, आए, आपने में क्योंकि हम जीरो पे होते है बहुत कुछ सीखना चाहते हुँ। हैं हुँ। तो सो so कोल्ड वो जो लोग होते हैं कि जो आपको एक मतलब उससे देखते हैं फ्रेशर हो जी वो तो वो एक्सपीरियंस आपने उन लोगों को कैसे डील किया क्योंकि बहुत लोग आप किसी भी लाइन में हो और आपने जस्ट बिगिन की है आप लॉ law, लॉयर बनना चाह रहे हो अभी आप जस्ट आउट ऑफ लॉ स्कूल हो आपको कोई इतना बड़ा मर्डर का केस कैसे दे देगा अगर आप जस्ट एक ग्रेजुएट हो आउट ऑफ एक एमबीबीएस आपको इतनी बड़ी हार्ट सर्जरी अकेले कौन करने को दे देगा आप एक टीम ऑफ डॉक्टर के साथ जाओगे आप पहले एक सीनियर डॉक्टर के साथ लगोगे पहले, पहले, पहले आप सीनियर एडवोकेट के साथ काम करोगे ठीक है हर फील्ड में देखो आप सीधा ही एकेडमी से निकले हो पुलिस ट्रेनिंग में आप सीधा डीजीपी कैसे अपॉइंट हो नहीं 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 वो बात आपकी ठीक है आप सीधा ही पॉलिटिक्स पॉलिटिकल करियर शुरू कर रहे हो और सीधा ही प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हो तो कुछ चीजों में तजुर्बा चाहिए कुछ चीजों में आप लर्निंग करो देखो एजुकेशन जो देती है ना शिव भाई वो देती है अब मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने के लिए एक एपिसोड और स्पेंड कर लेंगे कर लेंगे बिल्कुल ठीक है वो किताब रटवा देती है फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद कर लेते लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड पीपल बिहेवियर बयानबाजी हैंडलिंग टेम्परामेंट गोलीबाजी मतलब मैं हमेशा कहता था जैसे नए अप्रेंटिस आते थे कि सर ये स्क्रिप्ट है मैंने कहा ठीक है एक ट्रेनिंग सेशन आपके साथ ये करते हैं कि ये आपके सामने एक प्रोड्यूसर बैठे हैं आप इन्हें कन्विंस कर लो कि आपकी फ़िल्म पे पैसा लगा दें अगले का मूड ही नहीं है अगले का, अगले का आप रोमांस लिख के बैठे हो अगले ने एक्शन बनानी है तो आप गलत बंदे को सुनाते रहते हो कभी कभी तो ये बहुत बार होता है कन्विक्शन कम्स विद एक्सपीरियंस जब आप किसी कहते हो ना यार एक बहुत बढ़िया एक हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए मेरे को तो हार्ट स्पेशलिस्ट 21 साल का थोड़ी होगा आपकी उम्र क्या है आपका वो क्या है मेरे साथ होता था कहते आप एक फिल्म डायरेक्टर हो आप मैंने कहा मतलब मैं मुझे 60 साल की उम्र में चांस मिलेगा नहीं यार मैंने भी ऑट्स फाइट किए हैं प्रूव किया है खुद को कभी कभार अनपेड काम बहुत किया क्योंकि हाँ स्टार्टिंग के दिन इन शॉर्ट हाँ पापड़ बहुत बेल हैं जूते बहुत घिसे हैं अच्छा आपका काम ऐसा शो जो आपको शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं उसका कोई टाइम नहीं होता कभी आपको नाइट का शॉर्ट लेना है कभी सुबह का लेना है कभी दिन में लेना है कभी कहीं लेना है कभी लोकेशन ढूंढनी फिर फैमिली को टाइम कैसे देते हो नहीं ये पूछो कि अब जो फैमिली शुरू हुई है, उसको कैसे देना? क्योंकि देखो वो फैमिली तो धीरे धीरे सात आठ साल में समझ गए ना कि रूटीन क्या है अभी आप कभी कभार तीन महीने तो ऐसे ही घर पे बैठे हो तब तो आपके पास सिवाय टाइम को देने के कुछ नहीं है बट उनको तो आपसे थोड़ी चाहिए उनको इनकम भी चाहिए घर भी है। चलाना है तो टाइम ही देते रहोगे तो फिर वो भी हो जाता है तो हमारे पास ना एबंडेंस में चीज़ें होती हैं या तो टाइम <laughs> खुला होगा या तो काम खुला होगा तो मैक्सिम मैंने एक गो में आई थिंक अड़तालीस घंटे से ऊपर शूट की है मतलब विदाउट स्लीप टाइम कम था परमिशन टाइम उतना ही था शो जाना था फटाफट से अड़तालीस घंटे डे नाइट शूट किया कभी ऐसा हुआ है शूट कर रहे हो एक्टर का काम निकल ही नहीं रहा निकल ही नहीं रहा आप चाह रहे हो यार मैं जो चीज लाना चाह रहा हूँ वो आ नहीं रही तो कभी इरिटेट होकर खुद का है तो रहने दे मैं ही करके दिखाता हूँ मतलब मैं करता हूँ इरिटेट नहीं इरिटेट होके नहीं कह रहा कभी कभार ना आर्टिस्ट आपका ना हाँ। पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा था वो फंस जाता है ये तब होता, होता है जिस आर्टिस्ट ने प्रेपरेशन किया है ना उसके, उसने आपके साथ सीटिंग्स दी है रीडिंग्स की है उसको पता है वो नहीं फंसता फिर हाँ कोई डायलॉग लंबा है या कोई वर्ड ऐसा आ गया है तो वो बोला नहीं जा रहा टंग ट्विस्टर हो गया है तब ये फील होता है कभी कभी हो जाता है और सबके साथ होता है तो कुछ चीज़ें डबिंग में ठीक करते हैं कुछ चीज़ें परफॉर्म करके ठीक कर लेते हैं टाइम लग जाता है कभी कभी वैसे तो देखो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए क्योंकि जब आप मूवी बना रहे हो या कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशंस तो यही रहती हैं कि पूरी चले कोई मूवी ऐसी हो जिसने आपने ना बहुत दिल से बनाई और कहा कि यार ये इसका ना लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आने चाहिए या बहुत अच्छी उसकी वो फैन फॉलोइंग होनी चाहिए देख, देखने बहुत अच्छी देखे जानी चाहिए उसको प्यार मिलना चाहिए और वो ना मिला हो ये तब हुआ जब कुछ अच्छी फिल्में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई और जो उनसे उनकी मार्केटिंग में एफर्ट्स लगानी चाहिए थी क्योंकि प्रोडक्ट भी अच्छा होना ज़रूरी है तभी उसको मार्केट करने में मज़ा आता है तो जब मार्केटिंग नहीं ठीक हुई तब दिल तो थोड़ा सा हताश हुआ ही क्योंकि तो आपकी नज़र में अच्छी फिल्म क्या है बनाने वाले का ही परसपेक्टिव दे सकता हूँ देखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका जॉनर क्या है उसको क्या जमा है मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपना ओपिनियन देख के बनाओ सुन के मत बनाओ अगर आप फिल्में आंखों से नहीं देख सकते तो आप सुन के बनाओ मतलब आप वो भी कौन सा नया वो फीचर आ गया कह रहे थे आप वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑडियो डिस्क्रिप्शन हाँ मतलब वो करके बना लो पर उसने कहा उसने कहा उसने कहा ठीक है या पढ़ के या वो क्योंकि बहुत मीडिया इन्फ्लुएंस्ड भी है इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप किसी के साथ बहुत गुड टर्म्स में हो आपको की फिल्म को अच्छी रेटिंग में मिल जाती है और ये दुनिया का दस्तूर है इसमें कोई दो राय नहीं है देखो यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ सम पीपल और कुछ लोगों की आप गुड बुक्स में नहीं हो ठीक है तो रिकमेंडेशन उस हिसाब से होती है तो ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनके मैंने रेटिंग्स बहुत हाई पड़ी हैं पर मैंने देखा मेरे को बिल्कुल नहीं जमी खुद भी क्योंकि इतनी फिल्में हम साल में बना नहीं पाते जितनी हम देख पाते हैं इसका कॉन्स्टेंट थिंग ना वो तो अच्छी फिल्म तो वही है जो एक सब्जेक्ट जो ज़्यादा तबके को पसंद आता है वो अच्छी फिल्म मानी जाती है कि हाँ इस दु... फिल्म को दस लाख लोगों ने देखा है और उस पर रिएक्शन भी हैं सिर्फ व्यूज़ मत देखना कितने लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं कितने लोग जेनविनली उस पर बात कर रहे हैं वो मेजर करना पड़ता है सो so, दोस्तों और जस्वी भाई के बारे में हम बहुत कुछ जान रहे हैं और इनके बारे में बता ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं रोटरी चंडीगढ़ के साथ रोटरी चंडीगढ़ शिवाली के साथ भी जुड़े हुए हैं समाज सेवा के जितने भी काम हैं जैसे हमारा डिनर इन द दा डार्क की मूवीज़ बनाना है या और कोई मतलब समाज सेवा से रिलेटेड जितने काम हैं बड़ी तन्मयता से बड़े दिल लगा ये वो काम करते हैं तो एजस्वी भाई कोई ऐसा आपका एक कोई ड्रीम जो अभी पूरा नहीं हो और पूरा करना चाहते हो नहीं मुझे लग रहा है कि मैंने मेरे सारे ड्रीम्स धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं अच्छे लोगों से मिलने के आ, एक संपूर्ण परिवार के आ, एक अच्छे समाज के मतलब हाँ एक अच्छा समाज पूरा करना चाहूँगा और मैं अपने काम से ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा मैं बहुत चीज़ें नहीं बदल सकता पर मैं अपनी और से एक अच्छा काम करके समाज को दे सकता हूँ वो फिल्म बना के जो लोग समझे उस पर चर्चा करें और उसे पसंद करें उसे देखें सो so, अगर आपको अब आप अनिल कपूर की तरह एक दिन का प्रधानमंत्री बना लिया जाए तो कोई तीन चीजें ऐसी जिनको आप पलक झपकते ठीक करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो वो आपके लिए जो वर्ड हो वो बताओ एजुकेशन एक तो मैंडेटरी करना चाहता हूँ जैसे कोविड मैंडेटरी कर दिया ना कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना है लगाना है वो वैक्सीन वैक्सीनेशन लगानी है सर्टिफिकेट दिखाओ ऐसे एजुकेशन सबसे पहले मैं मैंनेडेट्री करना चाहूँगा और आ, मैं लिटरली इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाहता हूँ ताकि बहुत लोगों को अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अपने अच्छे भविष्य के लिए किसी और मुल्क में न जाना पड़े ये मेरी कोशिश रहेगी और शायद मैं हेल्थ केयर और थोड़ा सा पुश करना चाहूँ कि हमें हॉस्पिटल्स वग़ैरह में एक तो हर लोकल लेवल पे कुछ मेजर फंक्शंस होने चाहिए क्योंकि लोकल डिस्पेंसरीज़ में कुछ ही डॉक्टर्स होते हैं और कुछ ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और बड़े हॉस्पिटल जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रीटमेंट के लिए मतलब सुबह जाके ओ पी डी की लाइन में बैठो दोपहर के बाद जाके बारी आती है वाला सिस्टम है तो जिस तरीके से आप आ, कोशिश कर रहे हैं कि इंडियंस हेल्दी हेल्थ इंडेक्स में बहुत ऊपर आए नेचुरली चैलेंज तो पॉपुलेशन है ही है पर हेल्थ को मैं और इन्हेंस करना शायद, चाहूं। शायद मेरे हाथ में बजट हो तो मैं हेल्थ को काफी दूँ और इंश्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके मीडिया में कुछ चल रहा है अभी क्या क्या आने वाला है नया मैंने इसके बताया न कि मार्च मूवीज तो कुछ फिल्म्स और हमारे शोज आने शुरू हो जाएंगे

बिल्कुल क्योंकि जब तक बोतल बंद है तो ठीक है आएंगी इस साल फिल्में आएंगी फिल्म्स आएंगी काफी और वो रोलिंग फ्रेम्स रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के साथ भी आएंगी सिकलेंस के साथ भी आएंगी अच्छा और जस्वी शर्मा अगर मीडिया लाइन में ना होता तो कहाँ होता कुछ सोचा कभी कि यार भाई इस लाइन में ना होता तो कहाँ होता नहीं कभी मैं हो नहीं नहीं सोचा मतलब ये आपकी डेडिकेशन है नहीं होता तो मैं कहीं सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा ही कर रहा होता मतलब नेचुरली जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई की थी इनिशियली और या मार्केटिंग बिजनेस या कहीं किसी ग्रुप हेड होता या कहीं उस लेवल पे चला जाता और अच्छा फ्रेंड्स के लिए कोई कन्फेशन है आपका सॉरी मैं आ, बात नहीं कर पाता कॉल नहीं कर पाता कन्फेशन नहीं है माफी मांग लूंगा उनसे आज ही ऑन कैमरा कोई बचपन में ऐसा कोई कन्फेशन हो जो आपने कुछ ऐसा किया हो मजेदार जो फ्रेंड्स को ना पता हो राजा बताना चाहते हो अपने इस चैनल के थ्रू uh, कई बार होता है ना फ्रेंड्स के चोरी चोरी बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे यार कभी किसी दोस्त का कोई डेस्क पे फोन होगा मैसेज पढ़ लिए होंगे वाह क्या आ, बात है यही किया तो मतलब इस आदमी के पेट में फ्रेंड्स के बहुत सारे राज दफन है जो उन्होंने मैसेज पढ़ लिए है पंगा मत लेना भाई लोगों इनसे नहीं तो ये राज खुल भी सकते हैं है ना कह सकते हैं ओनली है तो समझ लो अच्छा कोई गिल्ट लाइफ में हां मुझे लगता है कि आ, बहुत मौकों पे मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हो पाया आ, जब मुझे सक्षम होना चाहिए था मैं नहीं हो पाया आ, कुछ चीज़ें समय पे नहीं हो पाई ये सबसे बड़ी गिल्ट है जिसके लिए जब जहाँ होना चाहिए था आ, तो कभी उस वक्त पे नहीं हो पाया जब जरूरत थी हेल्प है, करने की जब अगला आदमी थोड़ा सा स्थिति में था नहीं हेल्प कर पाया तो शायद ये गिल्ट्स रहे होंगे सॉरी फोन रहे हैं यार बहुत कोई बात नहीं फोन से पता लगता है कि आप कितने बिजी हो नहीं नहीं। फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला ये जानना चाहूँगा कि अब हमारे ऑडियंस को कुछ चलते चलते कुछ दो लाइनों का मैसेज कुछ देना चाहोगे नहीं नहीं फिल्में देखो और थोड़ा सा फिल्मों के लिए स्टॉप बीइंग क्रिटिकल आ, बहुत मेहनत से बनती है कोई भी फ्लॉप फिल्म प्लान नहीं करता है कोई भी बहुत बुरी फिल्म प्लान नहीं करता है और हर फिल्म की ऑडियंस है मैं आपको बताऊँ बुरी से बुरी फिल्म की भी पंद्रह से बीस की ऑडियंस है और अच्छी से अच्छी फिल्म की भी ऑडियंस है तो स्टॉप बिंग क्रिटिकल अपना फिल्म पसंद आई नहीं आई ठीक है यार अब नहीं आई नहीं आई आप ट्रेलर देख के जाओ आप सब चीज़ें करके जाओ आपको लगता है कि स्टोरी आपको अपीलिंग लगती है आप देखो आप शो देखो आई थिंक लोकल अपने जितने भी आस पास अगर लोग जानते हैं अगर कोई कहता है यार कि मैं फिल्म बना रहा हूँ या मैं कुछ कर उसे इंकरेज करो उसे डराओ मत हुआ नहीं ओ हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आजकल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकरस बहुत हैं और नेचुरली हर फिल्म मेकर के पास एक बहुत बड़ा एक्टर या बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है एक बहुत बड़ा यूनिट नहीं है पर जितना भी है जैसे आ, कोई श, कोई स्टोर छोटा होता है कोई बड़ा होता है लेकिन मेहनत सब बराबर करते हैं तो आप सपोर्ट करो उनको इन शॉर्ट्स आपके कहने का मतलब कि मेहनत की कदर करो <coughs> सबसे हाँ, बड़ी बात पसंद है। नहीं आए तो ठीक है ना कीप इट यूर सेल्फ डोंट गो गागा ओवर इट बोलते जाओ इधर बोलते जाओ ठीक है यार मुझे ऑरेंज नहीं पसंद मुझे कोला फ्लेवर पसंद है तो मैं दुनिया को थोड़ी बोलूंगा कि ऑरेंज बुरी है हाँ। बिकती है भाई पीते हैं लोग बिल्कुल बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी हमने क्वेश्चंस पूछे नहीं और उनके लिए आपके लिए एक वो है कि हम आपको कह रहे हैं कि आस्क जसवी का एक हम और जो मुझसे क्वेश्चन छूट गए हैं आप कमेंट करें मैं तो रैपिड फायर की वेट कर रहा हूं रैपिड फायर बिल्कुल आएगा जो क्वेश्चन मुझसे रह गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप मतलब वो रिपीटेड क्वेश्चन छोड़कर कि कौन सी फिल्म आ रही है वो तो आप सबको पता लग ही जाएगा हाँ मीन है ना कौन सी फिल्म आ रही है वो आप अगर सोशल मीडिया पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप हमारे हैंडल्स वगैरह फॉलो करते हो आपको अपडेट्स आ जाएंगे कि हम किस इवेंट पे बिजी हैं कौन सी फिल्में आ रही हैं अगला शो क्या आ रहा है और आई थिंक हर आदमी तक पहुँचना बहुत मुश्किल है तो हम दोनों जुड़ जाते हैं मतलब आप और हम तो एक दूसरे के बारे में पता लग सकता है बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए हमारे को कमेंट बॉक्स में डालिए मेल डालिए हम आज को जसबी का एक और एपिसोड करेंगे हम दोनों मिल बैठेंगे और आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा और जसबी भाई से जवाब लेंगे ठीक है तो और ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी जरूर इसे लाइक like कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ओजस्वी भाई के जो जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं जितने वेल विशर्स हैं जितने फ्रेंड सर्कल्स में हैं वो सभी इनको और गहराई से जान सकें और हमारे को भी एक एप्रिसिएशन मिले तो ओजस्वी भाई द म्यूजिकल आइज के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू आपने आज अपना कीमती टाइम निकाला फॉर्मेलिटी नहीं है लेकिन फिर भी लव यू ब्रो थैंक यू थैंक यू शिव उन्होंने क्वेश्चन ही बुलवा दिए बीच <laughs> में पिज्जा लाके पिज्जा लाके पिज्जा खा के एकदम टोन पिज्जा खा के मैं तो खाया नहीं ज़्यादा, मैं बिल्कुल टोन नहीं वो ना एक एक वो फ्लो बना होता है ना बंदा हाँ। एक माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ सोच लो दो चार फटाफट से पूछ लो तो लग किस बारे में पूछूं मुझे नहीं पता भाई ठीक है